मंदसौर जिले के भानपुरा में रात के 11 बजे के करीब एक युवक हिमांशु बैरागी की कुछ युवकों से बहसबाजी के दौरान आपसी रंजिश के चलते मुख्य आरोपी विनय जादौन एवं उसके साथीगण दीपक गुज्जर, अश्वीर मंसूरी तीनों ने मिलकर 20 वर्षीय युवक हिमांशु बैरागी को चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। घायल हिमांशु को तुरंत स्थानीय शासकीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया था। इलाज के दौरान हिमांशु बैरागी ने दम तोड़ दिया। मृतक हिमांशु बैरागी के पिता पेशे से एडवोकेट हैं और उनके परिवार में एक ही पुत्र था। वहीं इस प्रकार की वारदात को लेकर भानपुरा नगर के सभी लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उनके अवैध मकान तोड़ने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है और तीनों फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की नगर के लोगों ने मांग की है। वहीं पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। इसको लेकर नगरवासियों ने भी ज्ञापन दिया है और तीनों फरार आरोपी विनय जादौन, दीपक गुज्जर, अश्मीर मंसूरी को पकड़ने की मांग करते हुए सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। देखिए विष्णु बैरागी समाज, पुजारी समाज के हमारे जो भानपुरा के एडवोकेट है तुलसीराम दास जी बैरागी, हमेशा से समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। इनका बच्चा एक बालक जो मासूम बालक था, होनहार बालक था, एकमात्र चिराग था इनके परिवार का, उसको जो है यहाँ पर कुख्यात तो एक तरह से कहे कि गुंडाराज टाइप काम हो गया भानपुरा में। जो है 7-8 जो भी जितने भी लड़के थे, ये सारे असामाजिक तत्व थे। इन्होंने उस बच्चे को निर्मम तरीके से 7-8 जितने भी वार किए हैं, चाकुओं से उसकी हत्या करी है। और मैं तो बड़ा पूरा समाज और भानपुरा नगरवासी स्तब्ध है इस बात से कि इतना भयंकर कांड, मतलब एक खुलेआम सरेआम हो गया मोहल्ले में, मतलब किसी को पता ही नहीं चला, एक बच्चे की जान ले ली। तो मैं तो, हमने अभी जो ज्ञापन दिया है इसमें ये मांग करी है कि इनकी जो संपत्ति है उसको नष्ट किया जाए, इनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और हम इनको जो है कल तक की मोहलत दे रहे हैं पुलिस को, क्योंकि परसों समाज जन फिर इकट्ठे हो रहे हैं भानपुरा में। और अगर परसों तक इनके खिलाफ ये जो हमारी मांगे कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन वैष्णो बैरागी समाज द्वारा किया जाएगा, जिसमें और अन्य सभी समाज बंधु भी हमारे साथ हैं, सभी संगठन साथ में हैं। और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि कम से कम भानपुरा में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इस पर अंकुश लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, पुजारी के ऊपर मध्य प्रदेश में सब जगह हमले हो रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं क्या दुर्घटनाएं हो रही है, रोज 307 के केस बन रहे हैं, उनकी हालतें खराब है पुजारी समाज की, बैरागी समाज की, इस पर आप अंकुश लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक महोदय से भी निवेदन है, सांसद महोदय, सभी बड़े बड़े दिगंबर हैं हमारे यहाँ पर जो है नेता लोग हैं मंदसौर जिले में, पुजारी के ऊपर जगह हर थाने में पुजारी के ऊपर केस हो रहे हैं, तरह तरह के जो है उनके ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं। सभी से ये आग्रह है कि इस पर अंकुश लगाएं, नहीं तो बैरागी समाज अगर सड़क पर उतर गया माननीय, तो रामानंद दल है, फिर आप जो है आप बाद में बैरागी समाज को जो है दोषी मत ठहराएं, मेरा ये आग्रह है। प्रशासक महोदय, आपसे निवेदन है, बच्चा मेरे, मैं उनका नाना जी हूँ, मेरी लड़की का एकमात्र लड़का था ये, और मेरा निवेदन है, मैं अश्रु पूरी ताकतों से और मेरी शब्दों से बोल रहा हूँ कि माननीय शिवराज जी महोदय, मैं सबसे पहले आपके साथ रहा और मैं निवेदन करता हूँ, और पुलिस प्रशासन पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इन बदमाशों और गुंडों को पकड़ कर चले और इनको सख्त सजा दिलाएगी, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। और मैं इन्हीं विश्वास के साथ में ये कह रहा हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र इन दो दिनों के अंदर तत्काल उनको बंद करके उचित कार्रवाई करें। शीतला माता मंदिर के पास की घटना कल रात को पता चली है, और रात के लगभग 11:30-12 बजे के लगभग जो है वो हिमांशु पिता तुलसीदास बैरागी, निवासी शीतला माता मंदिर के बजरंगबली मंदिर के पास है, उसको विनय हरिजन, विनय जादौन नाम के व्यक्ति ने जो है वो चाकू मारे थे। उसको पहले इलाज के लिए लाया गया, बाद में झालावाड़ ले जाया गया, इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु की सूचना मिली, लगभग 3-3:30 बजे के लगभग जो है ये सूचना प्राप्त हुई है। उस पर से झालावाड़ में टीम भेजी जा करके, वहाँ पे देहाती नालची ली गई है, सारी कार्रवाई झालावाड़ से चल रही है। अभी मृतक का शरीर और परिजन जो है वो यहाँ 1-1.5 घंटे में पहुँचने वाले होंगे। कौन-कौन लोग थे इसमें? मुख्यतया प्रारंभिक तौर पर 3 नाम सामने आए हैं, विनय पिता कन्हैयालाल जादौन, दीपक पिता जगदीश गुर्जर, और अश्मीर पिता कल्लू उर्फ जाकिर मंसूरी, ये 3 नाम सामने आए हैं। सर ये सूचना में सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात जो है घटित हुई? हाँ, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है,
और वो अनुसंधान में लिया गया है। सर अभी तक कितने लोग इसमें गिरफ्तार? अभी गिरफ्तार कोई भी नहीं हो पाया है, पर शीघ्र ही पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। मंदसौर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट।